So finally the gears have arrived and this is the Pulsar 250. ये Revit का jacket है. So Revit is a sub part of Darius जहाँ तक मैंने सुना है. And 18,000. Revit का pant है. And this is from I guess from Japan or somewhere. Also got this Revit gloves. ये देखो gloves भी है. Gloves काफी अच्छा लग रहा है. Red के लिए ना contrast बहुत सही लग रहा है. ग्लव्स वगैरह भी है. 8,500 बूट्स मिले हुए हैं हमें. ये बूट्स ओहो फुल पल्सर 250 एकदम नया बूट है. आई एम जस्ट लविंग इट. इसको ट्रायल करते हैं, देखते हैं क्या सीन है इसका. एंड देन विल गो डाउन. बाइक्स रेडी हो चुके हैं अभी. Perfect fit. The boots are really amazing, yeah, super amazing. Pulsar 250 and BVG boots. Mast hai yaar. No, aap apne ungli ke gaps ko dekh lo and this should be over here. So yes, it is comfortable. Red ekdam matching lag raha hai. Hey guys, so welcome back. So dekho, Revit ka jacket mil gaya, boots. BBG ka boots, you know, with Pulsar branding and everything. So yes, finally we are ready. This is day 2 in Kolkata. We are going for the meet and greet in OSL Bajaj. ये आपका हो गया AJC Bose Road में. तो अभी हम लोग का bike already आ चुका है. हमें helmet वगैरह सब कुछ मिल चुका है. अभी हम जाएंगे नीचे. बाइक को आपको दिखाएंगे कौन सा कलर का बाइक है. तीन बाइक है, तीन अलग अलग कलर है. तो हम तीन लोग हैं. कॉन्कॉन्ग है, वैदिक है, मैं हूँ. तो हम लोग अभी जाएंगे OSL Bajaj मीट एंड ग्रीट करने. ऑलरेडी लोग वेट कर रहे हैं. बस व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट मी पुट माय कैमरा ऑन माय हेलमेट एंड देन लेट मी शो यू बाइक एंड द रोड्स. सो दिस इज माय बाइक. नंबर पता क्या है? 8788 और उसका 89 एकदम सिक्वेंस में है. सो आई एम राइडिंग दिस ओशन ब्लू बाइक एंड फुल्ली गियर्ड पल्सर गियर्स. जूता कंफर्टेबल है? नहीं है ना, मतलब अभी आपको साइज बैठेगा, वो श्रिंक होगा अभी थोड़ा. मेरा भी नहीं हो रहा है बट देखते हैं. सो लिविंग फॉर दिस शोरूम. टोटली एक्साइटेड एंड दिस इज द एस्कॉर्ट व्हीकल व्हिच इज गोइंग विद अस. ये हमारे साथ पूरे जर्नी के दौरान रहेंगे एंड हमें इस गाड़ी को फॉलो करना है बिकॉज हम लोग अभी जो है कोलकाता ट्रैफिक में है एंड बस हमें रास्ता दिखाने के लिए ये गाड़ी है. मैं ग्लव्स भी भूल गया, चलेगा? हाँ there's a many a song going on. Okay, we need to come there. Welcome Nilatri. Thank you so much. And main hindi mein baat karunga obviously. Delhi mein sabse highest motorable road hai and that is in the Leh region. That is at the altitude of 19,300 feet and uske alawa usse pehle tha Khardungla pass. So abhi Khardungla pass hai ki so third mein aa chuka hai. उसके बाद नूरगुला टॉप है. मैंने बहुत सारे पासेस किए इस बार, इसके सारे वीडियोस आएंगे. ये बजाज का सीरीज खत्म होने के बाद आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट अप नीरो लद्दाख वीडियोस. उसमें आपको सब कुछ दिखेगा, कैसे रोड थे, क्या मेरा जर्नी था. आई वुड लाइक टू पास ऑन द माइक टुवर्ड्स माय फ्रेंड कॉन्कॉन्ग तालुकदार. ही इज फ्रॉम असम. सो ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ऑब्वियसली ही इज देयर टू गाइड हिम. सो यस कॉन्कॉन्ग, टेल अबाउट योर स्टोरी टू देम. यस हेलो, व्हाट इज अप पीपल? गुड. यस, सो एक्चुअली I'm from Assam. I do vlog in a regional language which is Assamese actually. Thank you so much. Thanks a lot guys. So finally the meetup is done. Like bahut hi sahi hua. Aapne dekha hoga kisi aur ke camera se. So over here we have all the people, like you know, bikes and all lined up. And sure, queuing. So we have got a photograph clicked over here. And that's an amazing session, man. काफी मजा आ रहा है, interaction हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यार. So yes, I will get back to you once I'm totally free from here. So finally the meetup is done from OSL AJC Road वाला बजाज से.
राइड इज डन, मीटअप हो गया है, काफ़ी अच्छा सेशन था यार, अच्छा लगा। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल एंड देन फिर शाम को थोड़ी देर बाद निकलेंगे फॉर बागुई हट्टी रौलता बजाज कोलकाता। अभी जैसे पॉन्ग पॉन्ग ने कह रहा था कि हम लोग ट्रैफिक पे बाइक चला रहे थे, सो देयर आई फेल्ट वन थिंग रियली गुड अबाउट दिस यू नो F250 जो हम लोग चला रहे दैट इज उसका जो टॉर्क है लो एंड टॉर्क दैट इज रियली गुड। आप ट्रैफिक में 3 गियर में रहो 2 गियर में रहो आई एम प्रीटी श्योर जितने भी राइडर्स होंगे उनको रिलेट कर पाएंगे। चालू होगा आज से ये स्टार्ट हो रहा है तो वी आर गोइंग टू फ्लैग इट ऑफ फ्रॉम हियर उसके बाद एंड विल बी गोइंग अवे। सो फर्स्ट यात्री इज गोइंग टू साइन दैट पंजाबी except for Marathi and Gujarati everything is same that's correct Nepali friend of me koi insaan mere wale kuch baat kar raha I can easily catch it right so language sikhna is a very good hobby if you are having it that's a great thing keep it up and I wish that you can learn more multiple languages Malayalam site overtake kore eta ki uchi kora काफी सारे लोगों को ये भी देखा है कमेंट करते हुए कि आप लेफ्ट से ओवरटेक करते हो राइट से ओवरटेक क्यों नहीं करते हो। सो बेसिकली व्हेन यू आर राइडिंग ऑन एक्सप्रेस हाईवे तो वहाँ पे ट्रकों के लिए एक लेन होता है एंड इंडिया में कितना ही हो रहा ट्रक वाले हमेशा राइट से चलाते हैं बिकॉज वो अगर लेफ्ट में जाएंगे उनको राइट से गाड़ी ओवरटेक करेंगे फिर उनको जब किसी को ओवरटेक करना होगा तो इट्स अ ह्यूज ट्रक 18 चक्का 20 चक्का कितना ने ट्रक चला है यहाँ पे सो आई होप सो यू कैन रिलेट बिकॉज मैंने भी ट्रक चलाया है विदाउट पावर स्टीयरिंग वाला तो कितना एक टर्न लेने से एक दिक्कत होता है लोडेड गाड़ी कितना होता है क्योंकि मेरे को देखने से पहले जो साइड के जो लोग होते हैं को पायलट में जो बैठते हैं वो बाहर निकल कर देखते हैं पीछे से कोई स्पीडिंग में कोई बाइक या गाड़ी आ रहा है कि नहीं फिर वो कहते हैं अपने ड्राइवर को यस यू कैन गो लेफ्ट। तो लोग अगर वन वे पे लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं दैट इज नॉट रॉन्ग बिकॉज दैट इज वन वे मतलब एक ही रास्ता है आप लेफ्ट से ओवरटेक करो राइट से ओवरटेक करो दैट इज ओके नथिंग टू वरी। अमितेश हमारा रिसेंटली सिटी डी में हो रही है अभी तो चार्जेबल हो गया तो ट्रेनिंग ओवर हियर पता नहीं बारिश रुकेगा तो उसके बाद ही हम निकलेंगे यहाँ से। टिल दैट वी विल स्टेइंग ओवर हियर मैं मिलता हूँ आपको होटल रूम में आराम से इत्मीनान से बात करते मिलते हैं ओवर। ओके फाइनली गॉट बैक टू द होटल यार इट वाज रेनिंग लाइक वेरी हेवीली अभी भी ये पैंट वेंट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भीगा हुआ है जूते कुछ हल्के से भीगे इसको भी ड्राई वायर से सुखाएंगे एंड यस दैट्स द एंटायर रूम थोड़ा सा यू नो मेस्ड अप पड़ा हुआ है काफ़ी टायर्ड हो गए यार काफ़ी क्योंकि पूरा बारिश था हेलमेट बंद करके चलाना फॉग हो रहा था अंदर से बट एनी वे थैंक यू सो मच यार आज का ये दिन काफ़ी थोड़ा हेक्टिकफुल था बट बैक टू बैक दो मीटअप थे बट एनी वे इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ जर्नी सो आई रियली एन्जॉयड ऑल्सो इवेंचुअली बिकॉज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट यू गाइज नए नए लोगों से मिलना उनके क्वेश्चन को सुनना बात करना सेल्फीज लेना इट वॉज अ ग्रेट पार्ट ऑफ थिंग। सो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मालदा एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे सिलीगुड़ी देन बोंगाईगांव देन गुवाहाटी। सो ऐसे मीटअप्स होते रहेंगे विद ऑल द पर्सन मैनी है। सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर अरे राइट सिर्फ व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ बिकॉज काफ़ी थक गया हूँ काफ़ी थक गया हूँ।
सो या थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाट एवर यू वांट. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे जो कि होगा कोलकाता टू मालदा राइड जर्नी बाइकिंग वाला. मिलते हैं, थैंक यू.